एक लालची नेता ने सत्ता की भूख में पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये चेतावनी मुल्क की मौजूदा सरकारों को दिया है। इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सत्ता में पीटीआई की वापसी रोकने के लिए ऐसी ही साजिश रच रहे हैं। हकीकी लॉन्ग मार्च के पांचवें दिन इमरान खान खूब गर्जे। बांग्लादेश बनने की कहानी याद दिलाते हुए इमरान खान ने कहा कि तब एक राजनीतिक पार्टी को शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा मुल्क दो टुकड़ों में बट गया। ऐसा कुछ शातिर नेताओं की सत्ता के लिए लालच की वजह से हुआ। बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस कड़ी में इमरान खान कभी आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं तो कभी पाक की खुफिया एजेंसी ISI को घसीट रहे हैं। इमरान खान शहबाज शरीफ सरकार से जल्द चुनाव करवाने की अपनी मांग मनवाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लॉन्ग मार्च के पांचवें दिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, एक घाघ नेता ने सत्ता के लिए अपने लालच में सैन्य बलों को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कर दिया। ये पार्टी चुनाव जीत कर आई थी, इसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क दो भागों में बट गया। बता दें कि 1970 में बांग्लादेश के आजाद होने की कहानी भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जानी जाती है। तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना की जातियों का जवाब देने के लिए बांग्लादेश में प्रवेश किया। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। इस तरह से राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था। बहरहाल इमरान खान ने जो ये बांग्लादेश का राग छेड़ा है, इससे पाकिस्तानी सियासत में क्या बदलाव आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।